Administration hospital. Administration hospital. मकान गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मकान गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मकान गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीनों का ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो। जमीनों का ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो। जमीनों का ऑर्डर वापस लो, वापस करो, वापस करो। जमीनों का ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो। जमीनों का ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो। वापस करो, वापस करो। बात करते थे इनसे अभी। आप प्यार से करो ना, सर को आने दो ना, सर को प्यार से करोगे तो ठीक है, हर काम हम आपके साथ हैं। सर को ठीक है नहीं, शो कहाँ जाओगे? अबे दरवाजा खोल के थोड़ा क्या हो गया? सर को आने दो ना, वापस करो, वापस करो। मकान गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका, 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 चलो भाई, तो मुकरो सारे। सर पीछे ना, एक मिनट सर, एक मिनट पीछे। आज प्रोटेस्ट हो रहा है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ओर से। ये लोगों के हित के लिए है, गरीबों के हित में है। जिन गरीबों के मकान, जिन गरीबों की जमीन, चाहे वो स्टेट लैंड पर थी, चाहे वो रोशनी के तहत उन्होंने ली है, चाहे घाचराई में है, तीनों किस्म की जो जमीन है, जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, अचानक सरकार का ऑर्डर पास करना जो बिल्कुल नाजायज। हम चाहते हैं कि सरकार इस ऑर्डर को वापस ले, ये हमारी डिमांड है और कंटिन्यूसली हम इस डिमांड को प्रेस करेंगे। इसकी डेडलाइन रखी गई थी 3 महीने, अचानक इसको जनवरी के 31 तक रखा गया, इस पे आपका क्या कहना है, ऐसा क्यों किया गया? ये टोटली बेइंसाफी है। 31 जनवरी जो रखा गया है, सर्दी का मौसम है, पहाड़ों पर बर्फ है, खेतों में बर्फ है, लोगों को मकान नहीं है, तो ये मैं कहता हूँ कि लोगों को दबाने की एक साजिश है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैंने कहा 70 लाख लोग इससे अफेक्टेड होंगे, 60 से 70 लाख लोग अफेक्टेड होंगे। तो ये जो ऑर्डर निकाला गया है इनहरी, मुझे समझ नहीं आती ये बदकिस्मती है कि सरकार के कौन एडवाइजर्स हैं जिन्होंने इस तरीके से इस ऑर्डर को 31 जनवरी रख दिया। 31 जनवरी तक नहीं खाली करोगे, हम मकान गिरा देंगे, हम जमीन टेक ओवर कर लेंगे। आजाद साहब ने जो भी कदम उठाया गरीबों के लिए उठाया, उन्होंने जो उसमें फैसला किया था कि भाई गरीबों को पेमेंट लेकर के उनको जो जमीन 60 साल 70 साल से काबज हैं उनको दे दी जाए। किसी ने काश करना शुरू कर दी, किसी ने वह मकान बनाया ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ तक आज़ाद साहब की हुकूमत थी, दैट वॉज ए प्रो पीपल गवर्नमेंट। आजकल की हुकूमत जो है ये एंटी पीपल है,
हमारी जो ये प्रोटेस्ट है दिस इज फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए है, हम लोगों के साथ है। 70 करने के बाद एक हस्ती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद जो सुनहरे सपने जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाए गए थे, आज जम्मू कश्मीर की जनता समझ सकती है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादे दिखाए गए थे, जिस प्रकार से असेंबली को डिसॉल्व किया गया था और बड़े बड़े पार्लियामेंट में वादे किए गए थे, आज ये लैंड का जो कानून लाया गया है, गरीब लोगों को कुचलने का जो कानून लाया गया है, आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी आज्ञादत में, उनकी परमिशन से तमाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लीडर्स आई डिपकॉम ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो 31 जनवरी का आपने ये जो ऑर्डर निकाला है इसको वापस किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में आवाम जो है वो चैन की सांस ले सके। चाहे आप माइनिंग माफिया की बात करते हैं, वंशा माफिया की बात करते हैं, चाहे आतंकवाद की बात करते हैं, आपने 370 के बाद बेवकूफ बनाने की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर की आवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि हम हर टाइम हर दुख में हर सुख में और हर परेशानी में उनके साथ खड़े हैं। जब तक ये ऑर्डर रिकॉल नहीं होते हैं, जब तक गरीबों के मकानों को जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है, तब तक हमारा ये प्रदर्शन, हमारे ये धरने और ये हमारी आवाज़ जो है वो उठाना गरीबों के हक के लिए जारी रहे। इसे ये सोच समझ के करते हैं कि जहाँ पे आवाम जो है वो बेबस हो जाए। 2019 से जब से 370 गया है उसके बाद इस वक्त तक जम्मू कश्मीर की आवाम को बेबसी और लाचारी के सिवाय कुछ नहीं मिला है, और जिस तरीके की भी है, चाहे कोर्ट बंद है या दफ्तर बंद हो, लेकिन हमारी आवाज़ को वो बंद नहीं कर सकते। हम अभी जम्मू में शुरू किया है, इसी तरह हम अगर ये ऑर्डर वापस नहीं हुए तो हम स्टेट वाइड हर डिस्ट्रिक्ट में हर पंचायत में ऐसे प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ये ऑर्डर रिकॉल ना हो। ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है लोगों के साथ, और पर्टिकुलरली दिस इज नॉट प्रो पीपल पॉलिसी। आजाद साहब ने जो कानून लाया था गरीबों के लिए लाया था, किसानों के लिए लाया था, मजदूरों के लिए लाया था, जो वहाँ बैठे हुए हैं आज उनको बेदखल कर रहे हैं, ये कभी आजाद साहब की पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम इसके लिए पुरमन तरीके से एजिटेशन जो है वो जारी रखेंगे, और ये जो ऑर्डर है इसको सरकार ने वापस लेना होगा और लेना ही पड़ेगा। ग्लोरी।